everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ जयपुर या सनराइज ग्रेन्स में, जो कि NH24 पर सिचुएटेड है. एंड आज जिस प्रोजेक्ट को हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है दिव्यांश ऑनेक्स. प्रोजेक्ट की लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. यहाँ से कनेक्टिविटी आपको कैसे मिलती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ. बैंगॉन आपका NH24 प्रोजेक्ट है. यहाँ से आपको दिल्ली, आगरा, मेरठ की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है. दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली अराउंड यहाँ से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. नोएडा आपका यहाँ से 8 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. उसके बाद आपको मेन गाजियाबाद भी यहाँ से काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है. अराउंड 5 से 7 मिनट पर आपका मेन गाजियाबाद भी आ जाता है. साथ ही साथ अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की बात करूँ तो वो आपके 3-3.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं. क्रॉसिंग रिपब्लिक यहाँ से 8 मिनट की दूरी पर है. शिप्रा मॉल आपका सबसे नजदीकी मॉल यहाँ से मिल जाएगा. ABS इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है. उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल, वो प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऑपोजिट है, हाईवे के बिल्कुल ऑपोजिट आपका मणिपाल हॉस्पिटल है, जहाँ पर आने वाले टाइम में एक ATS का मॉल भी आने वाला है. सो गाइस, दैट वाज द कनेक्टिविटी एंड लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अब मैं आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल अंदर ही खड़ी हुई हूँ. सो गाइस, यहाँ पर आपकी रहेगी मेन एंट्रेंस. ये प्रोजेक्ट का मेन डोर रहेगा. यहाँ पर आपको 3-tier सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस प्रोजेक्ट आपका रेडी टू मूव सेगमेंट का है. एंड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट पार्किंग रहेगी. एंड आपके लिए विजिटर्स के लिए यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग रहेगी. तो चलिए, अब मैं प्रोजेक्ट के आपको अंदर लेके जाती हूँ, उसके साथ साथ हम और डिटेल्स डिस्कस करेंगे. इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी से अब आप अवेयर हो चुके हैं. अब मैं आपको प्रोजेक्ट की और डिटेल्स शेयर करूं, उससे पहले मैं यहाँ के आपको अपार्टमेंट दिखाना चाहती हूँ. तो आप देखिए, तो हर एक टावर में आपको सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट एरिया मिल जाता है. हर एक टावर में आपको यहाँ पर लॉबी एरिया मिल जाता है. सो तो ये लॉबी एरिया आपका हर एक टावर में प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं, कोई भी किसी को आते हैं, एंट्री एग्जिट एंट्री यहाँ पर होगी. उसके बाद आप देखिए, तो काफी ज्यादा प्लस फॉर यहाँ पर आपके गेस्ट के लिए वोटिंग एरिया भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर आपके गेस्ट आपके लिए वेट कर सकते हैं. लॉबी एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ एंड हम ऊपर के फ्लोर पर जाएंगे. और अभी मैं आपको एक 4 BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं. एंड गाइस, दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट. एक फ्लोर पर आपके इन टोटल 5 अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 लिफ्ट का प्रोविजन भी रहेगा. एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 4 BHK अपार्टमेंट. एंड इसका साइज है 2323 स्क्वायर फीट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपार्टमेंट. इसका लेआउट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. तो चलिए मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखाती हूँ. सो गाइस, ये रहेगी आपकी मेन एंट्रेंस. एंड आप एंट्रेंस पे डोर देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी हाइट का यहाँ पर आपको एंट्रेंस पे डोर मिल जाता है. एंड जैसे ही आप इस घर में एंटर करोगे, इस 4 BHK अपार्टमेंट में एंटर करोगे, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेशियस, ये देखिए काफी ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर आपको ड्रॉइंग एरिया मिल जाता है. ये पूरा एरिया आपका ड्रॉइंग एरिया रहेगा. प्लस लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो अपार्टमेंट है आपका, ये आपका रॉ अपार्टमेंट रहेगा. ये फिलहाल एक सैंपल अपार्टमेंट है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. एक्चुअल अपार्टमेंट आपका रॉ अपार्टमेंट रहेगा. एंड ड्रॉइंग एरिया के बिल्कुल ही साथ में आपका रहेगा बेडरूम नंबर 1, जिसे कि आप एज अ गेस्ट बेडरूम तो की तरह यूज कर सकते हैं. अगेन, ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है. एंड आपको गेस्ट बेडरूम में बहुत ही ज्यादा, ओह माय गॉडनेस, काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी ज्यादा स्पेशियस. यहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिल जाती है. वॉशरूम में आपकी सारी फिटिंग्स इंक्लूडेड रहेंगी. एंड दैट्स नॉट इट, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बालकनी भी मिल जाती है अटैच. तो ये काफी ज्यादा अच्छी डिसेंट साइज में आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है. 5 feet वाइड आपकी बालकनी रहेगी. विद दैट आपको ड्रॉइंग एरिया के साथ भी एक बालकनी अटैच मिल जाती है. सो दिस इज द बालकनी दैट इज अटैच विद आवर ड्रॉइंग एरिया. ये आप देखें स्लाइडिंग डोर्स के साथ यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. प्लस दैट वाज द ड्रॉइंग एरिया एंड वी हैव सीन आपका रहेगा
डाइनिंग एरिया था, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा बड़ी एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं एंड डिनर एंड लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं. एंड ऑपोजिट दिस इज योर किचन. माई गुडनेस, आप वीडियो में देख सकते हैं. वीडियो में आपको विश्वास ना हो तो आप इस अपार्टमेंट को यहाँ पे विजिट कीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड. बहुत ही ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है. हर चीज यहाँ की बहुत ही ज्यादा बड़ी है. आप यहाँ पर देखिए, यू शेप आपको यहाँ पर किचन मिल जाती है, काफी ज्यादा बड़ा. आपको यहाँ पर देखिए स्लैब मिल जाता है, ग्रेनाइट का यहाँ पर स्लैब रहेगा. एंड आपके मतलब किचन में स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, काफी ज्यादा ग्रैंड किचन आपको मिल जाती है. तो आप देखिए, तो यहाँ पर आपकी एक किचन एरिया रहेगा, डाइनिंग एरिया आपका ये था, प्लस डाइनिंग एरिया में आपको यहाँ पर आपको 7 feet वाइड बालकनी मिल जाती है. इसको मैं आपको दिखाती हूँ. डाइनिंग एरिया के साथ आपको यहाँ पर 7 feet वाइड बालकनी मिल जाती है. इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है. इनफैक्ट यहाँ पर आप छोटी सी यात्रा भी होस्ट कर सकते हैं एंड शाम बालकनी में यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं. गाइज, ये आपका डाइनिंग एरिया था. डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही आपके रिमेनिंग 3 bedrooms रहेंगे. एक बेडरूम आपका वहां रहेगा, एक यहाँ रहेगा एंड एक रहेगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस बेडरूम में लेके जाती हूँ. एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 2. अगेन आप वीडियो में देख सकते हैं, ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छे साइज में मिल रहा है. यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप अपनी वार्डरोब बनवा सकते हैं. इसी तरीके से आपके यहाँ पर वार्डरोब का स्पेस रहेगा. इस तरफ हम जाएं तो यहाँ पर आपकी एक अटैच्ड वॉशरूम है. वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशियस वॉशरूम एंड आपको यहाँ पर भी बालकनी मिल जाती है. इनफैक्ट सारे बेडरूम्स में, सारी जगहों से आपको यहाँ पर बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. एंड कोई भी बालकनी आपकी छोटी बालकनी नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर आपको बालकनीज मिल जाती है. एंड हियर इज आवर बेडरूम नंबर 3. So this is your bedroom number 3, जहाँ पर इस वॉल पर रहेगा आपके लिए आपकी वार्डरोब का स्पेस. तो आप यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वार्डरोब बनवा सकते हैं. प्लस ऑन दिस साइड इज द अटैच वॉशरूम. आप वॉशरूम सभी साइड देखिए तो बिल्कुल भी छोटी वॉशरूम्स नहीं है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर स्पेशियस वॉशरूम्स नहीं मिल जाती है. एंड अगेन आपको इस बेडरूम में भी बालकनी मिल जाती है. तो यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी, अगेन ये भी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में बहुत ही ज्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है. सो वी हैव सीन 3 bedrooms. इसी के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा हमारा 4th and last bedroom ऑफ दिस अपार्टमेंट, विच इज दिस. सो ये रहेगा आपका बेडरूम नंबर 4. इस वॉल पर रहेगा आपके वार्डरोब का स्पेस एंड इसके ऑपोजिट वाली वॉल की तरफ रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस. ये आपकी प्राइवेट बालकनी है, काफी डिसेंट साइज में आपको यहाँ पर भी बालकनी मिल रही है. प्लस इस बेडरूम में भी आपको अटैच वॉशरूम मिल रही है. तो ये आपकी कॉमन वॉशरूम है, जिसे कि आप बेडरूम एंड बाहर के पार्ट से एक्सेस कर सकते हैं. सो गाइस, दैट वाज दिस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट. आपको ये अपार्टमेंट जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको और ज्यादा पसंद आएगा. एंड अगर आपको ये अपार्टमेंट विजिट करना है तो जल्दी से हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. सो गाइस, मैं आपको अपार्टमेंट दिखा चुकी हूँ. अब चलिए मैं आपको ये सोसाइटी घुमाती हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो गाइस, आप अपार्टमेंट तो देख चुके हैं, अब बिल्डर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्लस इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो प्रोजेक्ट है दिव्यांश ऑनिक्स, ये आपके 4 acres के एरिया में बना हुआ है एंड यहाँ पर 4 towers हैं, जिसमें कि आपके 2, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स रहेंगी. यहाँ पर आपको 2, 3, 4 BHK में डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा साइज यहाँ का 1,080 square feet का रहेगा एंड सबसे बड़ा साइज आपका 2,330 square feet का रहेगा. टोटल यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपकी 604 अपार्टमेंट्स की यूनिट्स रहेंगी. पूरा प्रोजेक्ट आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. और उसके साथ साथ टावर की हाइट को भी हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पर आपके जो टावर्स हैं वो S+22 and S+23 की हाइट के साथ बनाए जा रहे हैं. प्लस अमेनिटीज के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट में आपको 60% एरिया से भी ज्यादा ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है. यहाँ पर आपके 2 parks प्रेजेंट हैं, जैसे कि फिलहाल मैं एक पार्क एरिया में यहाँ पर खड़ी हुई हूँ. तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर ग्रीनरी डेवलप हो चुकी है. रेडी टू मूव आपका प्रोजेक्ट है, सारी चीजें यहाँ की रेडी हो चुकी है. किड्स प्ले एरिया आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी डेवलप कर दिया गया है.
क्लब हाउस की हम बात करें तो यहाँ पर क्लब हाउस 20,000 स्क्वायर फीट के साइज में बन रहा है, जिसमें कि आपके सारी बेसिक अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल जिमनेजियम आपका रहेगा, बैंकेट हॉल आपका रहेगा, उसके साथ साथ सारे आपके इंडोर गेम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेडी टू मूव सेगमेंट का है एंड दिवाली से पहले यहाँ पर लोग रहने लगेंगे, अभी ओसी आने ही वाली है। इस बिल्डर की बात करें तो बिल्डर पिछले 24 इयर्स से रियल एस्टेट के मार्केट में है एंड अभी तक ये 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज देयर ऑन द स्क्रीन, प्लस अभी इनके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से एक है दिव्यांश ऑनिक्स। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट दिव्यांश ऑनिक्स, जिसकी लोकेशन है NH24 जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा तो टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है एंड सबसे मेजर वजह ये है कि ये आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। आपको बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स NCR में रेडी टू मूव सेगमेंट में मिल पाते हैं, बट दिस इज दी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट एंड ये आपका फुली पेड अप लैंड पे बना है एंड बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का OC भी दे दिया जाएगा एंड दिसंबर से पहले यहाँ पर लोग रहना शुरू भी हो जाएंगे। प्लस उसके अलावा MyOne फ्रेमवर्क के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन की गई है, दैट मीन्स क्वालिटी पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपने अपार्टमेंट खुद भी देखा होगा, बहुत ही अच्छी लेआउट के साथ यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं एंड काफी ज्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं। सो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड अगर हम यहाँ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK आपको 51 lakhs ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पर आना है, आपने इस प्रोजेक्ट को विजिट करना है, आपको यहाँ के अपार्टमेंट्स को विजिट करना है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रियलिटी 360° फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आवर वीडियोस कैन रीच यू फर्स्ट। And I'll see you in some other video. Till then, bye-bye and take care.